हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेटामॉर्फोसिस इन द सिल्क मोथ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम पढ़ा था हमने मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। इसमें क्या देखा हमने कि फ्रॉग के केस में एग से पहले क्या निकलेगा? टेडपोल लार्वा। उसके बाद इस लार्वा में कुछ क्या होंगे? चेंजेस होंगे, ड्रेस्टिक चेंजेस, यानी कि बहुत अलग अलग चेंजेस होंगे, जिससे क्या बनेगा? एक एडल्ट फ्रॉग बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं आज कि सिल्क मोथ में डेवलपमेंट कैसे होती है। कि सिल्क मोथ के एग से पहले क्या निकलेगा? लार्वा। उसके बाद लार्वा में क्या होगी? मेटामॉर्फोसिस। उससे क्या बनेगा? प्यूपा। उसके बाद क्या होगी? प्यूपा में फिर से होगी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या? बेसिकली चेंजेस होना। इसमें चेंज हुआ, ये बना, फिर प्यूपा में चेंज हुआ, क्या बनेगा? लास्ट में बनेगा सिल्क मोथ एडल्ट। ठीक है, तो आज हमें देखना है मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क मोथ। सिल्क मोथ इज एन इंसेक्ट। जैसे आपकी बटरफ्लाई होती है, इंसेक्ट है, उसी प्रकार से सिल्क मोथ भी क्या है? एक इंसेक्ट है। विच अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। जो अपने लाइफ के दौरान क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस दिखाती है। द सिल्क मोथ पासेस थ्रू द लार्वा एंड प्यूपा स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट आफ्टर हैचिंग फ्रॉम द एग। एग से हैच होने के बाद जो आपकी सिल्क मोथ है वो क्या क्या दिखाती है? दैट अंडरगो थ्रू द लार्वा एंड प्यूपा स्टेज। उसके अंदर पहले स्टेज कौन सी आएगी? लार्वा, देन प्यूपा, उसके बाद क्या बनता है? एक एडल्ट सिल्क मोथ एंड फॉर्म्स एन एडल्ट सिल्क मोथ। द वेरी स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ सिल्क मोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। पहले एग ऑफ सिल्क मोथ, सिल्क मोथ का एग था, उसमें हुई हैचिंग, यानी कि आउटर कवरिंग जब बर्स्ट होगी, टूटेगी, उससे क्या निकलेगा? कैटरपिलर लार्वा। उसके बाद क्या हुआ लार्वा में? मेटामॉर्फोसिस। इस लार्वा में चेंज आए बहुत सारे, उससे क्या बना? प्यूपा स्टेज बनी। उसके बाद क्या हुआ? प्यूपा में फिर से हुआ मेटामॉर्फोसिस, यानी कि इस स्टेज में भी क्या हुआ? बहुत सारे चेंजेस आए, इससे क्या बना? एक सिल्क मोथ। तो हम इसे लार्वा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लार्वा देखने में अपने एडल्ट स्टेज से बहुत डिफरेंट होता है। अगर एग से निकलने वाली जो भी चीज है, अगर वो अपने एडल्ट से बहुत डिफरेंट हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। प्लीज नोट दैट द कैटरपिलर लार्वा एंड प्यूपा स्टेज इन द डेवलपमेंट लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सिल्क मोथ। आप ये नोट कीजिए कि जो लार्वा है और प्यूपा है, वो दोनों ही देखने में अपने एडल्ट सिल्क मोथ से बहुत डिफरेंट है। सो देयर हैव बीन ड्रेस्टिक चेंजेस इन अपियरेंस ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैटरपिलर इन टू द एडल्ट सिल्क मोथ। इसीलिए इनके अंदर बहुत ड्रेस्टिक चेंज आए होंगे, बहुत ही अजीब अजीब से चेंज आए होंगे, जिसके बाद क्या हुआ? दिखने में चेंज आए, अपीयरेंस में चेंज आए ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कैटरपिलर इन टू द एडल्ट सिल्क मोथ। यानी कैटरपिलर को एक एडल्ट सिल्क मोथ में ट्रांसफॉर्म बदलने में क्या हुआ? बहुत ड्रेस्टिक चेंज आए होंगे। दस द चेंज फ्रॉम कैटरपिलर टू सिल्क मोथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इसीलिए कैटरपिलर से सिल्क मोथ में चेंज होना इसी क्या है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फोसिस। वी द ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ऑब्जर्व चेंजेस इन अवर बॉडी अपेयरेंस एज वी ग्रो। हम जब बड़े होते हैं, जब छोटे थे उस समय क्या था? हमारे हाथ पांव जो ऑर्गन्स थे बहुत छोटे थे, लेकिन जब बड़े होंगे तो हमारे हाथ पांव ऑर्गन्स वगैरह बड़े डेवलप हो जाएंगे। तो हमारे अंदर भी क्या था? हमारे अंदर भी कुछ चेंज आते हैं, बट दीज चेंजेस आर नॉट ड्रेस्टिक चेंज। लेकिन हमारा चेंज है बहुत ड्रेस्टिक नहीं है, बहुत अजीब अजीब से नहीं है। इन ह्यूमन बींग द बॉडी पार्ट इन एडल्ट आर सिमिलर टू दोज विच आर प्रेजेंट इन बेबीज फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ। अब जो पार्ट हमारे पास हैं, वो हमारे पास जो हमारी स्मॉल स्टेज थी जब बहुत छोटे थे, उस टाइम हमारे अंदर क्या थे? हमारे सारे ऑर्गन प्रेजेंट थे। वही ऑर्गन क्या हुआ है? फर्दर डेवलप होके थोड़े बड़े हो गए हैं एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर। तो ह्यूमन बींग की स्टेज में क्या होता है कि ह्यूमन बींग के केस में ड्रेस्टिक चेंज नहीं होते। जो ऑर्गन बेबी के पास हैं वही फर्दर डेवलप होंगे, एक एडल्ट ह्यूमन बींग के अंदर भी वही ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। कोई नया ऑर्गन नहीं बनता एडल्ट बनने पर, और नया ऑर्गन कोई लूज होता। ठीक है, उसके बाद है इन ह्यूमन बींग द बॉडी पार्ट इन एडल्ट आर सिमिलर टू दोज विच आर प्रेजेंट इन बेबीज। जो ऑर्गन बेबी में प्रेजेंट है वही किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? एडल्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ह्यूमन बींग डू नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। इसलिए हम बोलेंगे कि ह्यूमन बींग के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। द कॉमन एनिमल्स सच एज कैट, डॉग, हैन, टाइगर, लायन, डियर, हॉर्स, काउ, इन सब के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। We will now discuss asexual reproduction animal. हम next video में पढ़ेंगे asexual reproduction in animals. ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा?
कैटरपिलर के अंदर क्या होगा, एग से हैचिंग होगी, यानी कि एग की आउटर कवरिंग टूटेगी और कहां जाएगा वो, उसे क्या निकलेगा, लार्वा स्टेज, यानी कि ये स्टेज निकलेगी एक कीड़ा सा, उससे क्या बनेगा, प्यूपा स्टेज बनेगी। इसमें क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें चेंजेस आए, उससे क्या बना प्यूपा, उसके बाद क्या बनेगा, प्यूपा में चेंजेस आएंगे उससे बनेगा आपका सिल्क मोथ एडल्ट। ठीक है, तो ये थी आपकी मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क मोथ। और सिल्क मोथ के एग जो है वो कहां ले करती है, लीफ के ऊपर, ठीक है, प्लांट की लीफ के ऊपर सिल्क मोथ अपने एग ले करती है। तो हम कल डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द एनिमल्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके दो क्वेश्चन रह गए शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज 57 और 60 नंबर का। ये आपका टॉपिक बिल्कुल लास्ट का है, तो आप बिल्कुल लास्ट में लिखोगे इनको, ठीक है, तो इनका स्पेस मत छोड़ना, ये आप लॉन्ग के बाद लिखोगे क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट में पढ़ोगे टॉपिक ये वाला। ठीक है, तो 57 और 60 आपके दो क्वेश्चन रह गए इधर से, इनसे पहले आप लॉन्ग राइट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग का, एक्सप्लेन द टर्म फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 147 पे। आप इसमें क्या लिखोगे, सबसे पहले डेफिनेशन, या डार्क लाइन जो है पहले ये लिखोगे आप फर्टिलाइजेशन तक, ठीक है, फर्स्ट लाइन सिर्फ यहां से लेके और यहां तक, उसके बाद आप राइट करोगे यहां से इन ह्यूमन बीइंग, यहां से लेके और यहां तक राइट करोगे जाइगोट तक, उसके बाद ये लिखोगे मैनी स्पर्म ट्राई टू एंटर द एग, ओनली वन स्पर्म इज सक्सेसफुल इन एंटरिंग द एग। उसके बाद जो बीच में ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला पोर्शन ये आप छोड़ दोगे, ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद व्हेन द हेड ऑफ अ स्पर्म एंटर द एग, देन द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म सेल फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल टू फॉर्म अ न्यू न्यूक्लियस, ये लिखोगे आप। उसके बाद ये लाइन काट दोगे, यहां तक काट दोगे आप, द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म विद न्यूक्लियस ऑफ एग टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट, आपको बस यहां तक लिखना है, ठीक है। तो आपने क्या क्या लिखा इसके अंदर, पहले लिखोगे एक लाइन ये वाली फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन, उसके बाद इन ह्यूमन बींग से लेके यहां तक लिखोगे, इस लाइन तक जाइगोट तक, उसके बाद मैन स्पर्म से लेके बीच में ये लाइन कट करनी है आपको, ये लाइन कट करके आप लिखोगे यहां तक, ठीक है, और ये भी लिखना 3C वाला पार्ट, ये भी लिखोगे आप। उसका जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का 61 का लॉन्ग का फर्स्ट का, इस बी में क्या पूछ रखा है, बी में आप डायग्राम बनाओगे ये वाला, उसमें ये पूछा गया कि आप डायग्राम से शो करो कि एग और स्पर्म कैसे मिलते हैं, फ्यूजन दिखाना उनका आपस में जायकोड बनाने के लिए, ठीक है। तो आप सेकंड पार्ट में ये ड्रॉ करोगे डायग्राम, बिल्कुल नीट एंड क्लीन अच्छा डायग्राम होना चाहिए आपका। जो बी पार्ट था, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन एग बाय अ स्पर्म, उसमें आप वो डायग्राम ड्रॉ करोगे। उसके बाद है 62 क्वेश्चन नंबर, व्हाट टाइप ऑफ कपल आर हेल्प टू हैव बेबीज बाय द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक। सेकंड पार्ट है, डिस्क्राइब द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन ह्यूमन्स। तो इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 152 पे। इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में लिखोगे आप यहां से लेके और ये वाला पैराग्राफ यहां तक का, IVF टेक्निक इज यूज टू हेल्प दोज कपल इन हैविंग बेबीज हुज कैन प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग बट फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस। यहां से लेके आप यहां तक नोट करोगे इसको, इसका आंसर ये होगा। और सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे आप, सेकंड पार्ट में आप लिखोगे यहां से लेके और इसके चारों स्टेप्स, यानी कि यहां तक कंप्लीट लिखोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जाएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा यहां से लेके यहां तक। इसे पूछा गया है कि IVF टेक्निक को पूरी एक्सप्लेन करने किसमें क्या कुछ होता है, ठीक है, आप यहां से लेके यहां तक राइट करोगे सेकंड पार्ट के अंदर। तो अब आज के लिए सिर्फ यही काम आपको कि लॉन्ग आंसर आपको राइट करने हैं, और जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसको आप अच्छे से आप याद करोगे और अच्छे से पढ़ोगे इसको। तो 61, 62 लॉन्ग क्वेश्चन दोनों करवा दिए मैंने आपको टिक, आपको अब अपनी फेयर कॉपी में राइट कर लें इनको।